हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो सुबह की भाग दौड़ में हम बहुत इजीली बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये सब्जियों से भरपूर है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए बनाने शुरू करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। तो ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप जो भी आपके पास सूजी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 कप सूजी डाल दिया है। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। तो यहाँ पर ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही भी डाल दी है। उसके बाद फिर मैंने उसी कप से जिसमें मैंने दे लिया था आधा कप, मैंने इसमें पानी डाला है। और इन सबको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दही और सूजी है। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया, और एक टमाटर और आधे शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च। और आप इसमें जो भी चाहें और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बच्चों को खिलानी हो या जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए सूजी हमारी 5 से 10 मिनट में ये फूल गई है। उसके बाद सारी सब्जियों को यहाँ पर मैंने पहले टमाटर डाला है, फिर हरी मिर्च, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज, और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने सब काट के रखा था। आप इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ये वाइट वाला नमक। तो काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाला है, तो आप थोड़ा सा देख के डालिएगा बैलेंस मात्रा में। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सेजवान चटनी डाली है, चटनी ये सेजवान चटनी डाली है ना, तो इसके बाद आपको यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि सेजवान चटनी ऑलरेडी वो तीखी होती है। तो 1 चम्मच सेजवान भर के चटनी डाल के उसके बाद फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सारे बैटर को ऐसे मिक्स कर लिया मैंने, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे एकदम 1 पिंच यहाँ पे मैंने डाला है ये खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा हमारे घर में होता है ना, हमेशा अवेलेबल होता है, वही हम डालेंगे, इनो वगैरह नहीं डालेंगे। तो ये खाने वाला सोडा मैंने डाल दिया इसमें, और इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर सारे बैटर को ऐसे मिक्स कर लिया सोडा डालने के बाद। और बस इसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। फिर मैंने यहाँ पर पैन रखा है और उसको गर्म कर लिया, फिर ऑयल से थोड़ा सा हम इसको ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे तवे को। और उसके बाद फिर हम एक एक करके ऐसे छोटा छोटा सा, जितना बड़ा आपको साइज़ बनाना हो उतना बड़ा बनाइए। तो मैंने ऐसे छोटा छोटा पैनकेक के जैसे ऐसे बना लिया है, तो एक बार में जितना आप डालना चाहें। तो मैंने यहाँ पर 3 पैनकेक ऐसे छोटे छोटे बना लिए हैं। तो ये हमारा बस एक साइड से अभी जब ये पक जाएगा और ऊपर से जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर से भी कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है और नीचे से ये बिल्कुल पक गया है। तो इसको हम ऐसे पलट देंगे और इसको दोनों साइड से हम बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डाला है, थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, और इसको भी हम सेक लेंगे अच्छे से दोनों साइड से, थोड़ा सा सेक लेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको सॉस से खाइए, दही से खाइए, या ऐसे भी खाइए, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा सूजी का पैनकेक बन के रेडी है। तो आप इसको लंच में बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, खुद खाइए ब्रेकफास्ट में, शाम के भूख में खाइए, फटाफट से इंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।